टू माई न्यू ब्लॉग एंड अभी जस्ट मैंने वीडियो शेड्यूल किया है और मतलब वीडियो शेड्यूल करने में कभी कभी लेट हो जाता है क्योंकि फ़ोन डिस था मेरा और फिर लाइट नहीं थी, फिर मैंने उसको थोड़ा बहुत चार्ज करके और वीडियो शेड्यूल किया और अभी बजे है 8:30 और मैंने अभी अपना सारा काम फिनिश कर लिया है, लाइक झाड़ू पोछा खाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और नेल पेंट मैं अभी इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाद में ये होता है ना कि जल्दबाजी में लगाऊँ ना तो वो ख़राब हो जाती है और हमेशा ये होता है कि मैं एंड टाइम पर भूल जाती हूँ नेल पेंट लगाना, और फिर अगर एंड टाइम पर लगाओ भी ना कोई काम कर रहे होते हो तो वो ख़राब हो ही जाती है। सो अभी मुझे बस नहाना था, तैयार होना था, तो मैंने सोचा 5-10 मिनट में इसी में इन्वेस्ट कर ले। हाँ, आज क्या मैंने हाथों पे तो मेहंदी लगा ली, मतलब हथेलियों में बाकी है, अभी पीछे की तरफ बाकी है, वो मैं अभी लगाऊंगी थोड़ी देर बाद नहा धोके। सो मैं नहा धो के ऑलमोस्ट रेडी हूँ, नहीं बिल्कुल रेडी नहीं हूँ थोड़ी देर बाद होंगी मैं, तो अभी जो मेहंदी रह गई थी मैंने यहाँ नहीं लगाई। मेरी इच्छा है मैं पूरे हाथों पे लगाऊँ बट ठीक है अभी साथ पे फिर कौन लगाएगा, इसलिए फिर मैं थोड़ी थोड़ी सी चिन्नी चिन्नी सी लगा लूँगी। तो अगर किसी को मेहंदी नहीं आती है तो सीख लो यार, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्या बनाऊँगी, गोल री पियो बक्के दिक बच्चियो नहीं एक और राइमिंग बनती है, गोल गोल चक्कली थारी मामी टक्कली कुछ भी। ओके, सो देखा कितनी जल्दी लग गई मेहंदी और कितने अच्छे से लगी है, मतलब शाबाश बेटा तैयार होंगी, तैयार होके थोड़ी बहुत वीडियोस ना बनाऊँ, ऐसा हो सकता है मैं बनाऊंगी थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी, मैंने काफी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं गोरी हो गई, ठीक है, और जब मुझे लगता है मैं गोरी हो गई ये गर्मी वापस आ जाती है, सही लगती है, एक तो फटाफट बन जाती है, ठीक है, ये जो सिक्का है ना, ये जो गोल गोल चकली है, एक तो ये फटाफट बन जाता है, दूसरी चीज़ ये बहुत ऐसा क्लासी लगता है ना, मतलब आप अगर पूरे हाथ में भी मेहंदी लगाओ वो अच्छी लगती है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छी लगती है, पर सिर्फ इतना सा भी कर लूँगा तो इतना ग्लो होता है फेस पे। तो मैंने डिसाइड किया है मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी, ठीक है, सिर्फ सो के उठ के तैयार होंगी, मुंह भी नहीं दूँ, वो जो नेचुरल ग्लो है ना वो रहना चाहिए ना यार। 3 बज चुके हैं, मैं तैयार हो रही हूँ, तैयार नहीं हो रही हूँ, 3 बज चुके हैं और यार मतलब इतनी धूप में जाने का मन तो नहीं है क्योंकि पोशाक और ऊपर से पर्दा वगैरह ये सब बहुत मतलब बहुत हैवी हो जाएगा, प्लस इतनी गर्मी में इतने सारे बहुत छिल जाऊंगी, इतनी धूप हो रही है ना बाहर कि मतलब निकलने का मन नहीं कर रहा, कहाँ मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और कहाँ धूप को देखकर एक्साइटमेंट सारी निकल गई बट हाँ मॉइस्चराइजर ज़रूरी है। तो जब भी आप बाहर जाओ इतनी धूप में गर्मी में तो मॉइस्चराइजर कैरी करना ना भूलो, एंड मैं भी लगा रही हूँ क्योंकि बाहर बहुत तेज धूप हो रही है, लू चल रही है, फेस पर कुछ भी ना लगाऊं फिर भी अच्छी दिखूं, हो सकता है, बट आज मैं सच में कुछ नहीं लगाऊंगी। हाँ बट कुछ चीज़ें, मस्कारा, आईब्रो पेंसिल एंड सिंदूर, लिपस्टिक मस्ट है, बस इनके अलावा कोई मेकअप नहीं करूँगी, ठीक है ओके सो
फेस को भी मॉइस्चराइज करना उतना ही ज़रूरी है। नेक को भी, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा चेहरा अलग दिख रहा होता है, गर्दन अलग दिख रही होती है। अपना नेक पीस पहन लेती हूँ और इयररिंग्स भी, क्योंकि ये होता है बाद में पहनो ना तो बाल बिखर जाते हैं, उलझ जाते हैं। मैं तैयार हो चुकी हूँ और देखा बिल्कुल टाइम नहीं लगा, कैसे मतलब टाइम लैप्स लगा के कैसे मैं चुटकियों में तैयार हो गई। ठीक है, जोक्स ऑफ पार्ट। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तो। चढ़ने उतरने के बाद हालत क्या मस्त वाली टाइट हुई है, मतलब कि कंधे में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। गर्मी तो पूछो ही मत, क्योंकि धूप में एक तो पोशाक पहनी हुई, सेकंड पर्दा ओढ़ा हुआ था तो वो और ज़्यादा लग रही थी। और अभी खाना बनाना है, पर उससे पहले मैं थोड़ी बहुत रील्स बनाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैंने रील्स नहीं बनाई है, तो थोड़ी बहुत रील्स बना के चेंज करके फिर मैं कंटिन्यू करूँगी ब्लॉग। बाकी हालत इतनी बुरी हो रही है ना कि मन कर रहा है बस सो जाऊँ, मतलब मेरे मम्मी के और जीजा वगैरह इन सब के पैर दर्द हो गए हैं, क्योंकि मतलब सबके घर ना थोड़ी थोड़ी हाइट पर है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं घर में नहीं जा रहे हम, किसी के घर में नहीं जा रहे, मंदिर में चढ़ रहे हो, सबके घर पे इतनी सारी सीढ़ियाँ। अरे गॉड, जो हालत टाइट हुई है, शुक्र है अभी अब मतलब गए थे हम लोग वहाँ पर, अगर शादी वाले टाइम पे गए होते तो बैंड बज जाती, क्योंकि उस टाइम पर तो ऑलरेडी बैंड बजी हुई होती है काफ़ी दिन से। सो या मैं रील्स बना के चेंज करके फिर कंटिन्यू करती हूँ। आज हम मतलब दो शादी के 2 महीने ऑलमोस्ट 2 महीने बाद हम गए हैं, तो इतना असर नहीं हुआ, मतलब कि इतना भी नहीं थके, थक तो गए, पर वो रस्म क्या है कि शादी के कुछ दिन 2-3 दिन बाद हो जाती है, तो अगर वो उस टाइम हुई होती ना तो बाय गॉड मतलब मैं थक नहीं जाती, मैं बीमार हो जाती पक्का,
क्योंकि आज आज ही हम लोग इतना थक गए, तो उस टाइम पर तो शादी वाली थकान होती, उससे पहले की थकान होती है, ठीक है, तो उसमें तो इंसान वैसे ही घायल हो जाता है। पता नहीं कैसे लोग मैनेज करते होंगे, शुक्र है मेरा इतना लेट हुआ, पर उसमें शुक्र है बोलने वाले भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रॉब्लम हो गई थी, वो झेली वो कम नहीं थी, बाय गॉड वो तो इससे भी ज़्यादा थी। अभी ये तो चलो एक दो दिन की थकान निकल जाएगी, एंड चलो ठीक है, पर फिर भी हम लोग टाइम से फ्री हो गए और हम लोगों ने खाना खाया, चेंज किया, और बस अभी कुछ भी काम नहीं करने का मन है, मतलब वैसे इतना काम रहता भी नहीं है। सो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड नाइट।